ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऐसी घटिया बातें सोच भी कैसे सकते हैं आप मेरे बारे में? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम ऐसी हरकतें कर लेती हो। मिस्टर ईशान भोसले, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन शायद आपने घटिया सोच में PhD की हुई है। गलत फहमी होगा ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं आप। हीरे और बाजीराव सर के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है, मेरी नजरों में उनके लिए सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट है, दैट्स इट। रही बात पार्टी में इनवाइट करने की, तो मैंने उन्हें इनवाइट नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं था कि पार्टी हो रही है। हो सकता है तुमने डायरेक्टली इनवाइट नहीं किया, लेकिन जिस तरह से वो पार्टी में पूरी तैयारी के साथ आया था ना, तुम्हारे लिए फैंसी गिफ्ट लेकर दिल से निकली हुई स्पीच दे रहा था तुम्हें, ऐसा लग रहा था रात भर रट्टा मार के आया। उसमें तो वैसे भी कोई शर्म आया है नहीं, खुल्लम खुल्ला सबके सामने तुमसे फ्लर्ट कर रहा था वो। सर आप ये मिस सवान, कॉलेज के बाहर तुम्हें जो चीजें करनी है तुम करो, जिसके साथ करनी करो, कॉलेज के प्रीमाइसेस के अंदर ये सारी बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, समझी तुम? सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, बस बहुत जल्द वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हमारे घर शादी करके आ जाएगी। ये तो दुर्वाग है, लगता जानबूझ के छोड़ के गई है प्यार की निशानी। ईशान किससे बात कर रहा है? वैसे यही मौका है प्रेस करने का। कोई हक नहीं बनता कि आप ऐसी घटिया बातें करें मेरे बारे में। अपने मन में कोई भी कहानियां बनाते हैं और उन्हीं कहानियों को सच मान लेते हैं आप। ये मेरे कैंटीन का बिल जो आपने पे किया था, मुझे ऐसे किसी भी इंसान की मदद की जरूरत नहीं है जिसमें अहंकार की मिलावट हो। और एक और बात सर, आप ना मेरी पर्सनल लाइफ में प्लीज दखल ना दे तो बेटर होगा। बहुत सही कहा तुमने, मैं भी तुमसे ये कहने वाला था, आज के बाद से तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित रहेगा, इसके अलावा तुम्हें मुझसे कोई भी काम हो, कोई भी बात करनी हो तो मत आना मेरे पास। सही कहा सर, सही मायनों में तो यही एहसान होगा जिसे मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हूँ। वार्ड दिवसा सर, खूब खूब शुभेच्छा आपके लिए, ये दिन और आने वाला साल लय भारी हो, ऊपर वाले से बस यही दुआ है। मुझे ना तो किसी की भीख की जरूरत है और ना ही किसी के एहसान की। मैं खुद को क्या समझता हूँ, अरे वो खुद को क्या समझती है, मुझे बीमारी है, नेकी कर दरिया में डाल। मेरी मेहनत को चैरिटी समझ रही है, क्या नॉनसेंस लड़की है।